प्रदेश सरकार की ओर से गौवंश को लेकर तैयार की गई योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित ना रहे, इन योजनाओं को सरकार धरातल पर भी उतारे, ये बात शिवसेना हिंद के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र धीमान ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में कही। धीमान ने कहा कि गौवंश को लेकर शिवसेना हिंद ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, यदि ज्ञापन में उठाई मांगों पर 15 दिन के अंदर उचित कदम नहीं उठाए जाते तो शिवसेना हिंद सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। उन्होंने कहा कि गौवंश रोजगार सृजन और पर्यटन विकास में भी मददगार साबित हो सकता है, बशर्ते सरकार द्वारा बनाई योजनाओं को अमली जामना पहनाया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए सरकार ने धर्मशाला और देहरा में भूमि चिन्हित की है, उसी तरह गौवंश को रखने के लिए भी सरकार 2-3 हजार कनाल भूमि उपलब्ध करवाए। इस अवसर पर शिवसेना हिंद के प्रदेश सह प्रभारी रविंदर धीमान, आईटी सेल युवा अध्यक्ष नीरज चौधरी, गुमारवी विधानसभा के प्रधान राकेश ठाकुर, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष विशाल अग्निहोत्री और जसवा प्रागपुर विधानसभा प्रधान चेतन शर्मा भी मौजूद रहे। नरेंद्र धीमान ने कहा कि प्रदेश में गौमूत्र व गोबर आधारित उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए, गौमूत्र की काफी मांग है, वहीं गाय के गोबर से खाद तैयार की जा सकती है और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। नरेंद्र धीमान ने कहा कि वे गौरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कभी पंजाब तो कभी नेपाल से धमकियां मिल रही है, यही नहीं स्थानीय लोगों द्वारा भी उन्हें धमकियां दी जा रही है, जिसकी शिकायत SP कांगड़ा से भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं और जो काम कर रहा हूं उसी गौ सेवा के कार्य में लगा रहूंगा। हमारा एक ही मेन प्रमुख मुद्दा है कि जब ये सरकार ने घोषणा कर दी हुई है, जयराम सरकार का इस बारे में काफी हम धन्यवाद करेंगे, जब उन्होंने ऑलरेडी घोषणा कर दी हुई है कि गौधन की सुरक्षा के लिए सारे कदम उठाए जाएंगे, तो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा, इसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। हम जब इसकी आवाज उठा रहे हैं तो हम पर जो गौ तस्कर वगैरह है वो सब गिरोह हम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 1-2 साल से हमारा मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। हम सरकार से यही डिमांड करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र गौधन का जो समस्या है, जो बेसहारा पशुवंश घूम रहा है, उस सबका समाधान किया जाए और ये तुरंत और तुरंत हो जाना चाहिए, अदरवाइज हमको जो है वो मजबूरी में आके भूख हड़ताल वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक, आज ज्ञापन भी आप दे रहे हैं, किसको किसके जरिए से? और हम श्री राज्यपाल महोदय को DC महोदय के जरिए से दे रहे हैं ज्ञापन, और हमारा ज्ञापन में यही है, हम उसमें सब सुझाव भी दे रहे हैं कि क्या क्या फायदा होगा, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हमारी एक्सपर्ट जो टीम है उसने इसके पूरे सुझाव तैयार किए हैं और वो हम सरकार को देना चाहेंगे कि सरकार उसके हिसाब से तुरंत और तुरंत करे।